हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एफएमसी पे। तो गाइस, फाइनली एफएमसी की शॉर्ट लिस्ट जो करते हैं वो लोग, वो आ चुकी है ना। आप इसमें देख सकते हैं अपना नाम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है ना, वो अभी बाद में बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं आप, और यहाँ पर ये भी बताया है कि कब रिपोर्ट करना है आपको, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ फ्रेंड्स, अब तो गाइस बात करते हैं जिन बच्चों को नहीं मिला है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि 593 इज़ लोवेस्ट स्कोर तक गया है ना एफएमसी का, मगर कुछ बच्चों को नहीं मिला है। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए है ना? तो जैसे कि जो नीट प्री वाले लोग थे, उनने एक वीडियो शेयर किया है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का जो एफएमसी में है ना। तो आप इस वीडियो को मैं चालू कर रहा हूँ है ना, मैं अपनी वॉइस नहीं बोलूँगा। काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है कि उन्होंने एफएमसी के लिए अप्लाई किया, बट फिर भी उनका नाम नहीं आया लिस्ट में। डरने की बात नहीं है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। बस यही है कि इस साल काफ़ी लार्ज स्केल में ऐसा हुआ है। मोस्टली इस बार कुछ ग्लिच हुआ है उनके साइड से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका जिनके साथ ऐसा हुआ है, मैं यही कहूँगा कि आप YC एडमिशन का जो ईमेल है उस पर एक ईमेल भेज दीजिए। वो आपको ईमेल एफएमसी की वेबसाइट से मिल जाएगा, उनको एक ईमेल भेज दीजिए। उस ईमेल में अपना एमसीसी रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट ज़रूर अटैच करिएगा, जिस पे लिखा हुआ है कि यू हैव अप्लाइड फॉर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे येस होना चाहिए। तो वो वाला आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। लास्ट ईयर जिनके साथ ऐसा हुआ था, मोस्टली उनको मतलब एडमिशन सेल ने रिवर्ट किया था। रिवर्ट बैक करके यही बोला था कि आप आइए। उनको एक डेट दे दिया गया था, एक स्पेसिफिक डेट। उस स्पेसिफिक डेट पर उन्होंने आने बोला था कॉलेज फॉर स्क्रीनिंग, और साथ ही उनको बोला था कि आप अपना एक प्रिंटआउट लाइएगा एमसीसी रजिस्ट्रेशन पेज का, जस्ट फॉर द प्रूफ कि आपने अप्लाई किया है एफएमसी के लिए। तो मोस्टली आप लोगों के साथ भी यही होगा इस साल। बस यही प्रॉब्लम है कि काफ़ी लार्ज स्केल पे हुआ है। आई थिंक सबको मतलब सबको वो लोग रिवर्ट बैक कर ही देंगे, और कोई डरने की ज़्यादा बात नहीं है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा है ना गाइस, तो थोड़ी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, तो थोड़ी आवाज़ आपको थोड़ी ख़राब आ सकती है। तो इन भैया ने ये बोला है कि आप एफएमसी की वेबसाइट से एक उनका ईमेल एड्रेस निकाल लो है ना, और उस ईमेल एड्रेस पे ये बोलो कि और अपनी जो एमसीसी की रजिस्ट्रेशन है ना, जो आपने किया है ऑल इंडिया के लिए, उसको अटैच कर दो उस ईमेल के साथ है ना, और एफएमसी वालों को दे दो। तो फिर आके आपको कुछ डेट वेट मिलेगी, तो फिर आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा है ना। अगर आप कहते हैं आप डिज़र्विंग है और आपको नहीं मिला है, अगर तभी तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जीमेल लिखा है ना। और गाइस, जितने भी जीमेल हो आप उन सब पे कर देना। हाँ, वैसे तो मुझे एक ही दिख रहा है, तो हाँ, तो गाइस ये ऑफिशियल है ना, इसको आप देख सकते हैं olcadmission@gmail.com, इस पर आप जीमेल कर देना इनको, तो फिर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।